आज मेरी किचन में बनने जा रही है ड्राई फ्रूट्स की रेसिपी, जिसमें आज मैं रागी का भी यूज करूंगी, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है। और सारे ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, नट्स हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। तो एक बार अपने फैमिली और बच्चों के लिए जरूर से ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल नीतूज होम वर्ल्ड में। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्राई फ्रूट्स पाउडर बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इन सारे को मैंने हाफ कप लिया है, जैसे पिस्ता, मखाना, मूंगफली, काजू, बादाम, और यहाँ पर मैंने लिया है अखरोट। आइए बाकी के सीड्स और नट्स को भी देख लेते हैं। 1/4 कप सनफ्लावर सीड, 1/4 कप पम्पकिन सीड, 1.5 टेबल स्पून मोटी वाली सौंफ, और यहाँ पर मैंने नटमेग लिया है जिसको जायफल भी बोलते हैं। इसको घिस कर लेंगे। 1/8 टीस्पून सिनेमन पाउडर है। यहाँ पे 6 से 7 केसर के धागे लिए मैंने। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और 5 से 6 मैंने यहाँ पर ग्रीन वाली इलायची ली है। अब यहाँ पर ये जो जायफल मैंने लिया था, जिसको नटमेग भी बोलते हैं, अब उसका पाउडर निकाल लेना। आप ऐसे ही इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पाउडर नहीं बना सकते, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है। इस तरीके से घिस कर ही निकालेंगे। तो ये तकरीबन मैंने 1 छोटी चम्मच निकाला है। अब एक पैन लेंगे, इसमें अब हम काजू को डाल देंगे, जो हमने 1/2 कप काजू को लिया था। अब इन्हें हमें रोस्ट करना है क्रंची हो जाने तक को, तो इसे हम लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए, लगातार लो फ्लेम पर चलाते हुए हमारे काजू जो हैं ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसे एक प्लेट पे निकाल देंगे। फिर से हम सेम पैन लेंगे, इसमें हम आलमंड्स को डालेंगे, यानी बादाम को डालेंगे, और बादाम को डालकर हम इस तरीके से इसे रोस्ट कर लेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से इसे चलाते जाएंगे और लो फ्लेम पर ही हमें इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ये जब रोस्ट हो जाता है तो इसका एक शाइन है कि इसकी जो स्किन होती है वो अपने आप फट जाती है, यानी वो खुल जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छे से इस बादाम की जो स्किन है वो हट चुकी है। तो अब इसे भी अलग से प्लेट पे निकाल लेंगे। फिर से सेम पैन लेंगे और पिस्ता को भी हमें रोस्ट कर लेना है। पिस्ताचू, काजू, बादाम, अखरोट, इन सभी चीज़ों का हेल्थ बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है, विटामिन, मिनरल्स और बहुत सारे गुणों से भरा हुआ है। तो ये देखिए, हमारे पिस्ते भी रोस्ट हो चुके हैं। अब इसे भी एक अलग प्लेट पे निकाल लेंगे। सेम उसी पैन में हम सेम प्रोसेस से अब अखरोट को भी, यानी जो वॉलनट है, इसको भी अच्छे से लो फ्लेम पर भून लेना है। तो ध्यान रखेंगे कि जो भी ड्राई फ्रूट्स है या सीड्स है, इसे हमें सारा प्रोसेस जो है ये लो फ्लेम पर ही करना है। तो वॉलनट भी अच्छे से भून चुके हैं। अब बारी आती है मूंगफली की। तो इसी भी सेम प्रोसेस से हमें रोस्ट कर लेना है। तो इसका भी सेम प्रोसेस है बादाम की तरह। ये देखिए, स्किन ये अपना रिलीज कर देता है। तो अब इसे भी एक अलग प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो लो फ्लेम पे सारा कुछ हमें रोस्ट करते जाना है। अब मखाना को भी हम इसी तरीके से लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। और इसका साइन है रोस्ट होने का, जब आप इसको तोड़ेंगे ना तो ये क्रंची होकर ये अच्छे से टूट जाता है। तो ये भी मखाना भी भून चुका है। अब सेम पैन में हम पम्पकिन सीड को भी डालकर अच्छे से इसको भी भून लेते हैं, और इसमें साथ ही साथ हम सनफ्लावर सीड्स को भी डाल देंगे, यानी कि कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज को भी हम अच्छे से, ये देखिए मैंने भून लिया है लो फ्लेम पे ही। इसको भी एक अलग प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो सारे को सेम प्रोसेस से ही करना है। अब मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून यानी 2 बड़े चम्मच रागी ले रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो खड़ा वाला रागी आता है ना, इसको मैं डाल रही हूँ। बच्चों के लिए रामबान है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें ये ड्राई फ्रूट्स पाउडर अगर रोज़ देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है क्योंकि पैन तो ऑलरेडी गर्म है। इसमें मैंने 1.5 बड़े चम्मच मोटी वाली सौंफ को डाला है, साथ ही साथ इलायची को भी हम डाल देंगे, और फ्लेम को ऑफ करके ही हमें इसे अच्छे से भून लेना है, और इसको भी एक साइड पे रख देंगे। अब आती है बारी इसको सारे को ग्राइंड करने की। तो ये सारा प्रोसेस जो है ठंडा हो जाने के बाद ही करना है। सारे ड्राई फ्रूट जब ठंडे हो जाएंगे तब हम ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है सबसे पहले मखाना, जिसको फॉक्स नट भी बोलते हैं। तो फाइन सा पाउडर तैयार कर लेना है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इससे फेस ग्लो भी बहुत होता है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये गुणों से भरपूर है। तो भी मैंने एक बाउल में निकाल लिया। अब मूंगफली को सेम जार में डालकर फाइन सा पाउडर हमने बना लिया है, उसको भी हम डाल देंगे। ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा इसे पीसना नहीं है, जैसा कि हम जान
जानते हैं कि वॉलनट, काजू, ये सारे अपने ऑयल को रिलीज कर देते हैं, तो हल्के से ही आपको पीसना है। जैसे अभी मैं अखरोट को पीसने जा रही हूँ, तो पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है क्योंकि ये तेल छोड़ता है। अगर ज़्यादा देर पीसेंगे तो पाउडर के बजाय ये हमारा पेस्ट तैयार हो जाएगा, तो पेस्ट नहीं बनाना है, हम ड्राई फ्रूट्स की पाउडर को तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए वॉलनट पाउडर भी अच्छे से ये तैयार है। अब मैं डालूंगी काजू को ग्राइंड करने के लिए। सभी को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, लेकिन पाउडर हो जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो काजू भी हम लोगों ने पीसकर अच्छे से रख लिया है। आप चाहें तो इसको लास्ट में एक छलनी की हेल्प से आप छान भी सकते हैं। तो अभी ये जो बाउल है मेरा छोटा पड़ रहा था, तो मैंने बड़े एक मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। अब आलमंड को भी अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर को रेडी कर लेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग मैं सारा क्यों ग्राइंड कर रही हूँ, पाउडर को एक साथ भी तो डालकर मिक्सर में बना सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी जो अलग अलग जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो अपने ऑयल को रिलीज करते हैं, जैसे काजू, वॉलनट, आलमंड, तो इसलिए हमें सबको अलग अलग स्प्रेड सेपरेट कर ही आपको इसको ग्राइंड करना होगा। तो यहाँ पर पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड को मैंने अच्छे से पाउडर को बना लिया है, तो इसको भी अब हम सारे को मिक्स कर देंगे। अब बारी आती है केसर की, तो केसर भी हमने जार में डाल दिया है। आप चाहें तो ऐसे भी केसर को डाल सकते हैं, और सौंफ डालेंगे, इलायची डालेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर नटमेग का जो पाउडर मैंने घिसकर तैयार किया था उसको भी डाल देंगे फाइन पाउडर के लिए। यहाँ पर दालचीनी और हल्दी पाउडर भी डालकर मिक्स कर देंगे। मिठास के लिए मैं यहाँ पर हेल्दी वर्जन डाल रही हूँ, कोकोनट जैगरी पाउडर को, तो ये मैंने तकरीबन 1/4 कप डाला है, तकरीबन 4 चम्मच के लगभग में। तो आप चाहें तो इसके बदला में आप शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम हेल्दी वर्जन को तैयार कर रहे हैं इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो आप शुगर पाउडर को भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है। उसके बिहाफ में अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है यानी जैगरी पाउडर है, तो उसको भी आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मिश्री के पाउडर को भी मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3-4 तरीके के आपको वेराइटीज़ के बारे में बता दिया, आप जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसको इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब लास्टली मैं यहाँ पर रागी को पाउडर बनाऊंगी, तो इसको भी हम जार में डाल देते हैं और एक फाइन सा पाउडर ये देखिए तैयार कर लेते हैं। तो बिहार और यूपी में इसको मड़ुआ का आटा भी बोला जाता है, ये भी काफ़ी हेल्दी होता है, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर जितने भी मैंने सीड्स और नट्स को यूज़ किया है सारे हेल्दी वर्जन है। आप इसको आराम से बनाकर 1 महीने के लिए आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको दूध में कैसे हम मिलाकर पी सकते हैं। तो इसको पहले मैंने 1 ग्लास दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया था, ये बॉईल हो चुकी है, अब हम ग्लास में डालेंगे और यहाँ पर गर्म दूध में 1 चम्मच ये ड्राई फ्रूट्स पाउडर को मिक्स करेंगे। और रात के टाइम पर आप इसको लें, आप चाहें तो इसको एक बार बॉईल कर भी ले सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स पाउडर जब दूध के साथ मिलती है तो और भी ज़्यादा इसके बेनिफिट हो जाते हैं। ये किसी भी एज के हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, सभी के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।